न्यूजीलैंड क्रिकेट ने महिलाओं के हक में लिया ये बड़ा फैसला सुनकर आप कहेंगे अरे वाह। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट और खिलाड़ी संघ के बीच 5 साल के ऐतिहासिक करार के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी फॉर्मेट और टूर्नामेंट में समान मैच फीस मिलेगी। एनजेडसी के मुख्य कार्य अधिकारी डेविड वाइट ने बयान में कहा, मैं इस तरह के महत्वपूर्ण समझौते पर पहुँचने में भूमिका के लिए खिलाड़ियों और बड़े संघों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, यह हमारे खेल का सबसे महत्वपूर्ण करार है जो एनजेडसी बड़े संघों और हमारे खिलाड़ियों के लिए बाध्यकारी होगा और क्रिकेट में कोष प्रगति और विकास की आधारशिला रखेगा। एनजेडसी 6 बड़े संघों और न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ी संघ के बीच ऐतिहासिक करार के तहत व्हाइट फंड न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम और घरेलू महिला खिलाड़ियों को सभी फॉर्मेट और प्रतियोगिताओं में पुरुषों के समान मैच फीस मिलेगी। बयान के अनुसार इसका मतलब है कि शीर्ष रैंकिंग वाली व्हाइट फंड को सालाना अधिकतम 1,63,246 न्यूजीलैंड डॉलर 83,432 न्यूजीलैंड डॉलर से बढ़कर 9वें रैंकिंग की खिलाड़ी को 1,48,946 न्यूजीलैंड डॉलर 66,266 न्यूजीलैंड डॉलर से बढ़कर और 17वें नंबर की खिलाड़ी को 1,42,346 न्यूजीलैंड डॉलर 62,833 न्यूजीलैंड डॉलर से बढ़कर मिलेंगे। प्रत्येक बड़े संघ की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला घरेलू खिलाड़ियों को अधिकतम 19,146 न्यूजीलैंड डॉलर 3,423 न्यूजीलैंड डॉलर से बढ़कर छठी रैंकिंग की खिलाड़ी को 18,646 न्यूजीलैंड डॉलर 3,423 न्यूजीलैंड डॉलर से बढ़कर और 12वें नंबर की खिलाड़ी को 18,146 न्यूजीलैंड डॉलर 3,423 न्यूजीलैंड डॉलर से बढ़कर मिलेंगे। पुरुष टीम के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, यह आगे की दिशा में बढ़ाया गया बड़ा कदम है और इससे युवा और महिला लड़कियां खेल के प्रति आकर्षित होंगी। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने कहा, यह इंटरनेशनल और घरेलू महिला खिलाड़ियों के लिए अच्छा है कि उन्हें पुरुषों के समान के साथ मान्यता मिल रही है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए।